अस्सलाम वालेकुम, इंडियन रेसिपी बेस्ट में आपका स्वागत है। तो आज बना रहे हैं मटन चाप बिरयानी। मटन उबालने के लिए आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक तेज पत्ता, एक दालचीनी, एक छोटी सी दालचीनी, एक बड़ी इलायची, छह काली मिरी, बस उबालने के लिए, और थोड़ा सा मामूली सा इतना सा नमक बस। अब इसको अपन 3 सीटी में उबालेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। उसमें पानी गर्म करने के लिए चावल को उबालने मैं पहले कड़ी पत्ता डालूँगी, पानी उबालने में आधा चम्मच शाही जीरा डालूँगी और आधा चम्मच तेल डालूँगी, आधा चम्मच तेल डालूँगी और अपना, क्योंकि अपन मसाले में भी नमक डालेंगे और मटन उबालने के टाइम पे भी नमक डाले थे, इसलिए अभी अपन इसमें आधा चम्मच ही मटन ये डालेंगे, नमक डालेंगे। और इसमें अभी अपन ये मैंने आधा घंटा चावल को भिगाने डाली थी, अब वो चावल डालेंगे। ये देखिए, अभी चावल को अपन ऐसा हिलाने का नहीं, सिर्फ ऐसे ही पानी निकालने, क्योंकि तो चावल भीगने के बाद में नरम पड़ते तो टूट जाते, इसीलिए उसको ऐसे ही डाल देंगे, अपन आराम से ऐसे डाल देंगे। पूरे चावल उसमें के निकाल के डाल देंगे। अभी इसको अपन अच्छे से हिलाएंगे, ऐसे बस थोड़ा सा ही हिलाएंगे और आधा नींबू इसमें, आधे से थोड़ा 2-3 ड्रॉप ऐसे नींबू का रस डाल देंगे बस। अभी इसको उबालेंगे, आधा कच्चा आधा पक्के में अपन चावल का पानी निथार देंगे। ये देखिए, अपना अच्छे से पूरा अपने को गलाने का नहीं है, आधा ही, इसीलिए मैं 3 ही सीटी दी। माशाल्लाह अच्छे से हो गया, क्योंकि अभी तेल गरम हुआ है। 2 दालचीनी ली हूँ, 1 आधा फूल पत्थर ली हूँ, शाही जीरा, 2 इलायची, 2 लवंग और 3 तेज़पत्ता, ये पहले अपन सब तेल में डाल देंगे। उसके बाद में अपन डालेंगे ये प्याज। प्याज को अच्छा हल्का ब्राउन करेंगे, नरम करेंगे, ब्राउन करेंगे, फिर बताती हूँ मैं। अभी आप देखेंगे प्याज को भुन गया क्या। प्याज देखो आधी कच्ची आधी पक्की हो गई है। इसके अंदर अभी ऐसी प्याज रहेंगी तभी अपन डालेंगे इसके अंदर टमाटर। 3 मीडियम साइज़ के मैंने बड़े, ऐसे ना बड़े ना छोटे, वैसे मैंने टमाटर डाल काटी हूँ 3। और मैं ये आधा किलो मटन के हिसाब से सब ली हूँ, आधा किलो चावल, आधा किलो मटन, 1/4 किलो आलू, 1/4 किलो टमाटर, ये सब मतलब आधा किलो की पूरी क्वांटिटी के हिसाब से है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है 1 किलो का तो इसके ही मात्रा में अब बढ़ के लेना, मेरे मतलब ये सब क्वांटिटी बड़ा बड़ा के ले लेना। 1 किलो का बनाना है तो यही क्वांटिटी बड़ा बड़ा के लेने का। हाँ, मैं आधा किलो का बना रही हूँ। अभी थोड़ा टमाटर को अपन नरम होने देंगे, फिर इसमें डालते नरम। जल्दी टमाटर होने के लिए अपन नमक डालेंगे, नमक अपन बराबर अपने हिसाब से डालेंगे, क्योंकि तो अपन चावल उबालने के टाइम पे भी नमक डाले थे, गोश्त को मटन को पकाने के टाइम पे भी नमक डाले थे, इसलिए नमक मसाले में अपन बराबर डालेंगे अपने हिसाब से। हाँ, क्योंकि तो नमक अपन टमाटर में डालेंगे ना, अभी जल्दी गलने के टाइम पे जल्दी टमाटर गल जाते। अभी अपन डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखो भर के मैं डाली हूँ 2 चम्मच। हाँ, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने भर के डाली हूँ। अब वही टमाटर के इसमें सब पहले ये टमाटर भी नरम अपने होते रहेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुनेगा तो उसकी बास अदरक लहसुन की आएंगी नहीं, तो साथों साथ अपना सब काम हो जाता है इसमें। फिर उसको भुनाओ, फिर टमाटर को, तो अपना टाइम बहुत लगता है इसके लिए, इसके साथ ही हो जाएगा। अभी अपन डालेंगे इसकी, मैंने गैस स्लो करी है सब मसाले डालने के बोल के। अभी मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये 2 चम्मच धनिया पाउडर डाली हूँ मैंने, आधा चम्मच हल्दी, देखो आधा चम्मच हल्दी, मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ अभी, ये 1 चम्मच, 2 चम्मच, मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से टेस्ट कैसा खाती है उस हिसाब से डालना, वो अपनी अपनी पसंद रहती हैं टेस्ट का। मैं 3 चम्मच डाली हूँ। अभी इसको मैं गैस को कर रही हूँ फास्ट,
अब ये मसाले को सब अपन अच्छे से भुनेंगे, इसको मिक्स करेंगे मसाले को। अभी अपन डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाले की पाउडर। हाँ, ये मेरा घर का बना हुआ है तो 1 चम्मच है। आप बाहर से भी रेडीमेड लाएंगे पैकेट में तो 1 चम्मच बराबर क्वांटिटी डाल देना। हाँ, इसको भी अच्छे से हिलाएंगे। अब इसके बाद डालेंगे अपन 2 चम्मच बिरयानी मसाला। ये देखिए 2 चम्मच बिरयानी मसाला। अब उसके बाद डालेंगे अपन 1/2 कटोरी दही। अब उसको अच्छे से अपन मिलाएंगे। हाँ, बिरयानी की जान दही ही रहती है। दही अपन ने डाल के अच्छे से भून लिए हैं। दही डालने के बाद में अभी अपन डालेंगे कोथमीर। कोथमीर मैंने 1 मुट्ठी भर के ली हूँ। हाँ हाँ, कोथमीर 1 मुट्ठी डालना है अपने को। पुदीना अपने को 1/2 मुट्ठी डालना है। हाँ, मैं 1/2 पुदीना रखती हूँ अपने को ऊपर से डालने के लिए, तो 1/2 मुट्ठी पुदीना डालना है। और 2 हरी मिर्ची इसमें डाल देना है। अभी इसको सब मसाले को मिलाना है। अब मसाला भुनने के टाइम मैं अभी गैस बारीक करती हूँ। अब इसके अंदर डालेंगे अपन आलू, क्यों तो अपना गोश्त भी पक गया है, आलू थोड़े कच्चे रहेंगे, इसीलिए मसाला भुनने के टाइम में अपन आलू डाल देंगे। हाँ, तो क्या आलू भी गल जाएंगे अपने जल्दी से। ये देखिए, अब इसको अच्छे से मसाले को भुनना है। उसके बाद में अभी अपन डालेंगे इसके अंदर गोश्त, मतलब मटन डालेंगे। हाँ, ये देखिए, ये मटन का पानी है, वो भी अपन साथ में ही डालेंगे, क्योंकि तो मसाला भुनने में पानी भी वो सूख जाता है, पानी को अपन वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, अब गैस को कर रही हूँ फास्ट में। ये देखिए, ये इतना पानी है, अपने को पानी को इसको सुखाना है, इतना पानी अपने को मसाले में नहीं चाहिए, तो ये मसाला भी भुने जाएगा और पानी भी सूखा हो जाएगा। हाँ, चलो देखिए अपना मसाला अच्छे से भुने गया है माशाल्लाह। अभी अपन इसके अंदर डालेंगे बिलिस्ते को। बिलिस्ते को मैं पहले ही रेडी करके रखी, ये देखिए इतना बिलिस्ता है, उसको ऐसा करके नरम करके, हाँ, अभी इसके अंदर अपन डाल देंगे। ज़्यादा नहीं करने का है, हाँ, हल्का हल्का बस, ये पूरा बिलिस्ता अपन डालेंगे इसके अंदर। अब इसको अच्छे से हिलाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह, अभी अपन इसमें से तेल तरी है ना ऊपर, थोड़ा इतना कटोरी में निकालेंगे, ये थोड़ा, ये देखिए ऐसा, ज़्यादा नहीं निकालना है मसाला अपने को, थोड़ा, ये देखिए इतना सा निकालने का है। हाँ, अभी इसके ऊपर अपने को डालने का, अभी चावल डाल देंगे अपन। हाँ, गैस को मेरे स्लो ही, ये देखो आप भी स्लो ही रखना। हाँ, अब एक 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 लहर करके, ये देखो ऐसा पूरा चावल को इसमें फैला देंगे डाल के। मैंने पूरे चावल को देखो डाल दी हूँ। हाँ, अब इसके बीच में अपने को ये कटोरी रखना है कोयले का धुआं देने के लिए। पहले कटोरी रखेंगे, उसके बाद में अपन ये जो मसाला रखे थे ना, मैं बोली थी ये मसाले का तेल, ऐसा मसाला ये ऊपर से ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा ये ऐसा डालेंगे। हाँ, कि तो पहले कटोरी नहीं रखेंगे तो अपने को मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, अभी उसके बाद में अपन डालेंगे मसाला, डालने के बाद में अपन कलर डालने का है, स्टार्टिंग में नहीं डालना है। ये देख, थोड़ा थोड़ा डालने का है बस, ज़्यादा नहीं डालना है कलर। हाँ, वो आपकी चॉइस, अगर आपको पसंद है ज़्यादा तो आप डाल सकते हैं। हाँ, अब ये मैंने बोली थी ना थोड़ा पुदीना रखना है, ये थोड़ा पुदीने के पत्ते डाल देंगे। और मैं ये हरी मिर्ची है देखो, बीच में से ऐसी चीरी मारी हूँ, उसको ऐसा अपन ऐसा ऐसा डालेंगे। सिर्फ हरी मिर्ची को क्यों अपन ने बीच में से चीरी मारी, सिर्फ इसका फ्लेवर अंदर जाना चाहिए बस। अगर किसको पसंद है खाने के टाइम पे खाने के, तो खा भी सकते हैं सिर्फ।
अब ये नींबू को मैंने, एक नींबू को मैंने ऐसे देखो ऐसे गोल गोल करी हूँ मैंने, मसाले में मैंने नींबू डाली नहीं हूँ इसलिए ऐसे नींबू गोल गोल करके अपने को ऐसे डालना है। हाँ ये ऐसे खड़े रखना है, आधे 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 करके ऐसे डालना, तो क्या इसका लेमन रस पूरा अंदर बराबर जाएगा। अपने को मसाले में नहीं डालना, चावल में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब उसके बाद में अपने को, अपने पास अगर आपके पास असली घी है तो आप डाल सकते, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं असली घी डाल रही हूँ। हाँ माशाल्लाह 2 चम्मच में डाल रही हूँ। हाँ हाँ देखिए 2 चम्मच डाली। अब अपने को ये चम्मच का घी वेस्ट नहीं करना, तो ऐसा अंदर डाल के अपन इसको ये कर लेंगे, पूरा निकाल लेंगे। हाँ जब तक मैंने कोयला गरम करना है, अभी गरम हो गया है, अब इसको कोयले को अपन इसके अंदर रखेंगे। अभी अपन कोयले को एक कटोरी के अंदर डालेंगे। हाँ ये देखिए सिर्फ कोयला डालना है, और कोयले के ऊपर आप, मैं घी डाल रही हूँ, आप चाहो तो तेल भी डाल सकते। हाँ पर घी डालने से क्या, और एक हाथ में अपन ढक्कन को रेडी रखेंगे। ये देखिए घी डाल के फौरन ढक्कन लगा देंगे। आज सिर्फ ढक्कन में लगाई हूँ, ये नहीं देखो अभी उसके ऊपर अपन वजन रखेंगे। हाँ मैं ये वजन रख रही हूँ, ये देखिए ये सब इसको साइड में रखती हूँ, जरा भी धुआं बाहर जाना नहीं चाहिए। अपन नेक्स्ट, मैंने दम कच्ची बिरयानी बनाई थी मसाले की, उसके ऊपर अपन ढक्कन डालने के लिए मैंने पेपर बिछाई थी, इसमें अपन पेपर नहीं बिछाएंगे, डायरेक्ट सिर्फ ऐसे ही रख देंगे। अभी इसके अपने को कम से कम 5 मिनट रखना है धीमे आंच पे। 5 मिनट में बाद अपनी बिरयानी रेडी हो गई, क्यों तो अपने अच्छे से भून लिए, गोश्त भी गल गया, आलू भी गल गए, ले चावल भी पक गए, ले सिर्फ 5 मिनट रखना है। अभी अपन देखेंगे अपना बिरयानी अपनी रेडी हो गई क्या नहीं। 5 मिनट मैंने बोली थी ना रखने के लिए, तो अपने 5 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है। बिरयानी हो गई है रेडी, अभी अपनी गैस करेंगे अपन बंद। देखो चावल भी अपने पक गए हैं, अभी अपन उसको ढक के करेंगे बंद। तो देखिए मटन चाप बिरयानी रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि कैसी बनी है, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो आप सबको बकरा ईद मुबारक मुबारक हो। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।